हेलो दोस्तों, आज हम हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति रेलवे स्टेशन पे और हम लोग बेंगलोर से आए हैं। बेंगलोर से तिरुपति का जर्नी लगभग 5 घंटा 20 मिनट का है। रात के 10 बज रहे हैं और हम जाने वाले हैं तिरुमाला पर्वत पे स्थित तिरुपति बालाजी के नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु का मंदिर देखने। तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास से ही बस जाती है 24/7 तिरुमाला पर्वत के लिए और 80 रुपये पर पर्सन लगता है। हम लोग 5 लोग हैं और 2 मेरे भांजे हैं, तो हमने सुमो बुक किया है ऊपर जाने के लिए और 1100 रुपये लगा है हम लोगों का। तो चलिए चलते हैं तिरुमाला पर्वत पे, जो कि 26 किलोमीटर है लगभग स्टेशन से। ऊपर जाने से पहले यहाँ टोल गेट पे पूरा लगेज एंड गाड़ी को स्कैन किया जाता है। भगवान विष्णु को यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जाना जाता है और मान्यताओं के मुताबिक भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ यहाँ निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। आधा रास्ता भी नहीं पहुँचे हैं अभी और आप नीचे में शहर को देख सकते हो। बड़े बड़े बिल्डिंग काफ़ी छोटी दिखाई देती है ऊपर से और रात का नज़ारा काफ़ी अलग लग रहा है। वापस आते टाइम हम लोग दिन का भी नज़ारा देखेंगे। कभी कभी रात में जंगली जानवर रोड क्रॉस करते हुए दिखे जा सकते हैं और यहाँ लिखा हुआ भी है बोर्ड पे। तो फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक पूरा शहर बसा हुआ है। ऊपर में बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। यहाँ पे हम अपने जूते और चप्पल को उतार कर टांग देंगे ताकि वापस आते टाइम याद रहे किधर से लेना है। यहाँ ऊपर में यात्री सदन है जहाँ पे लॉकर रूम है, जहाँ पे हम एक की लेंगे और सारा सामान लॉकर में रखकर फ्रेश हो जाएंगे। ऊपर जाने से पहले मुंडन के लिए चलते हैं। रात का 12 बज रहा है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। यहाँ पे ऋषभ का मुंडन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अयांश की बारी है, अब कार्टून देखकर मुंडन करा रहा है ये। बाल दान देने के पीछे का कारण यह है कि माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर यानी विष्णु ने कुबेर से कर्ज लेकर माता पद्मावती यानी लक्ष्मी से विवाह किया था और वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक कुबेर का सारा कर्ज चुका देंगे। माता लक्ष्मी ने वचन दिया था कि जो भक्त कर्ज लौटाने में उनकी मदद करेगा, माता लक्ष्मी उसको 10 गुना धन देगी। इसलिए तिरुपति जाने वाले लोग बालों का दान करके भगवान विष्णु का कर्ज चुकाने में उनकी मदद करते हैं।
बाहर की तरफ चलते हैं। अब वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल में एक दिया हमेशा जलते रहता है, और चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि इस दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित किसने किया था। मंदिर में अंदर जाने का मेन दरवाज़ा 12 बजे रात से सुबह के 3 बजे तक बंद रहता है, तो लोग बाहर में रोड पर इंतज़ार कर रहे हैं दरवाज़ा खुलने का। लोगों को जहाँ कहीं भी जगह मिलता है सो जाते हैं। दरवाज़ा खुलने में 15 मिनट बाकी है और लोग भारी संख्या में वेट कर रहे हैं। पूरा रोड भीड़ से भरा हुआ है। दरवाज़ा खुल चुका है और सुबह के 3 बज रहे हैं। लोग दौड़कर अंदर की तरफ जा रहे हैं। इस रास्ते से होते हुए अंदर की तरफ जाना है। बीच बीच में उधर से रोक देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके दर्शन कराया जा रहा है। लोग बीच बीच में आराम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं। अभी सामने जो तालाब दिख रहा है उसे चक्कर लगाते हुए आगे जाना है। बीच बीच में ऐसा ख्याल आता है कि इमरजेंसी एग्जिट से होते हुए बाहर चले जाएं। खाने पीने की सामान लेकर ही आप जाएं जब भी जाएं। रात में कुछ नहीं मिलता है, बिस्लेरी वाला प्लास्टिक का बोतल यहाँ नहीं मिलता है, तो आप अपना पर्सनल बोतल साथ में लेकर चलें। पाँच साल के नीचे वाले बच्चों के साथ जाना बहुत ही मुश्किल वाला सफ़र होगा। दिन में आपको लोग फ्रूटी और बिस्कुट बेचते हुए मिल जाएंगे, कुछ लोग आपकी बोतल में पानी भी भर देंगे। रास्ते में वॉशरूम की भी सुविधा अवेलेबल है। तो फाइनली 10:30 हो रहा है और हम 7:30 लाइन में खड़े रहने के बाद फर्स्ट वेटिंग रूम में पहुंच चुके हैं। यहां से आगे जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, और अगर आप मोबाइल लॉकर में नहीं रखे हैं तो यहां पे जमा करा लिया जाता है और दर्शन के बाद आपको मिलेगा। इस वेटिंग रूम में उपमा दिया जाता है खाने में। बस 4 का वेटिंग रूम में रहने के बाद फाइनल वेटिंग रूम में जाना पड़ता है, जहाँ पर हम लोग 9 रहे थे। वहाँ पे आप अपने कंपार्टमेंट का स्टेटस टीवी पर लाइव देख सकते हो कि आपको दर्शन कब कराया जाएगा। 9 वेटिंग रूम में बस उपमा दिया जाता है खाने में, तो आप खाने का सामान पहले से ले लें। दर्शन टिकट पे एक बार कोड होता है जिसे आप स्कैन करा के बाहर जा सकते हैं, और बाहर से आप चिप्स और बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक्स लेकर वापस फिर स्कैन करा कर लाइन में लग कर अंदर आ सकते हैं। वरना 9 तक आपको सिर्फ उपमा ही दिया जाएगा, वो भी टाइम से। तो बेटर है कि आप पहले से ही सब कुछ ले लें खाने पीने का सामान। सुबह के 3 बज रहे हैं, 24 हो चुका है और फाइनली हम लोग दर्शन कर चुके हैं। वो जो गोल्डन कलर में जो टेंपल दिख रहा है वही मेन टेंपल है जहाँ पे हम लोग दर्शन किए थे। तो दोस्तों, थोड़ा टाइम वहाँ ऊपर बिताने के बाद अब नीचे की तरफ चलते हैं।
आते टाइम रात में ऊपर आए थे तो ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं दिखा था। अभी सुबह का टाइम है तो रास्तों का एंजॉय करते हुए नीचे चलेंगे। और रास्ता आप देख सकते हो कैसा बना हुआ है माउंटेन्स के ऊपर। आसपास में बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बेंगलोर से तिरुपति के जर्नी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो के लिए। तब तक के लिए ओम नमो श्री वेंकटेशाय। गोविंदा गोविंदा।